ये कौन सा कीड़ा है ये देखो, इस पे ना जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना उसकी तरह ना इसके ऊपर डिजाइन है, और मैंने फोटो निकाली थी आपको, मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने जूम करके इसकी आंखें देखो, पैर कुछ कैसे है। और सुबह सुबह मैंने देखा कि हमारे जो घर के बाहर चूल्हा है ना उसके ऊपर ना बैठा था, और ये देखो सेम पेड़ के पत्ते की तरह इस पे डिजाइन है। समझ में नहीं आ रहा पेड़ के पत्ता है या कुछ कीड़ा है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 6, और गांव में देखो कुछ इस तरह से पानी भरना पड़ता है। तो आज ही ना इस बकरी ने ना इन दो बच्चों को जन्म दिया है। मतलब ये देखो, ये जस्ट अभी अभी दो आए हैं। और ये छोटा वाला इसकी माँ की तरफ दिख रहा है, और ये जो ये काला वाला है ना, तो इसकी शायद इसके बाप की तरह होगा। लेकिन ये अभी अभी आए, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे तो सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ। और ये दूसरी की बकरी है। तो मैं ना अभी खेत में जा रहा था, तो रास्ते में इतने सारे यहाँ पे ना बंदर है, आपको दिखाता हूँ। मैं अकेला हूँ तो मुझको डर लग रहा है यार। ऊपर से इधर कूद रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। देखो आपको जूम करके दिख रहा है कि नहीं कि आपको, तो एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे भी है एक, ये देखो ये इधर भाग रहा है। ये देखो भाई साहब, इस पेड़ पे ना कांटे रहते, ये तब भी ऊपर से इतने जा कूद रहे कि मुझे भी कुछ अलग ही हो रहा है। मतलब कांटे बीटे इनको कुछ डर नहीं लगता। नहीं हाँ, कूदे कूदते हैं, बंदर का काम ही कूदना है। लेकिन ये कांटे मुझे नहीं समझ में आ रहा कितने जोर से कूद रहे। चलो इनका काम ही है। और मुझे ना अभी खेत में जाना है। तो रास्ते में ना यहाँ पे टमाटे की खेती है, जो टमाटर्स होते हैं ना, तो सोचा कुछ खा लेता हूँ यहाँ पे। कुछ पके हुए जो लाल लाल दिखेंगे ना वो हम ले लेंगे। हम मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे हैं यहाँ पे। और ये दूसरे का खेत दूसरे का है, तो मैंने सोचा अभी खाने को थोड़ी ना कुछ बोलेंगे वो। एक महीने खा लिया और एक दो लीटर तो अच्छे से पके हुए देख के, और इसका ओनर देख रहा है तो सॉरी मैं आपसे बिना पूछे ले रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, हमारे गांव वाले हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। अभी मैं रास्ते में जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि हमारे खेत में ना अभी गेहूं की बिजाई चालू है। मतलब गेहूं जो खेत में लगाते हैं ना, तो वैसा चालू है। तो रास्ते में मुझे मोर पंख मिल गए थे, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसको मैं लेके जाऊँगा। और भी बहुत सारे इधर गिरे हुए हैं, वो भी सब उठाएंगे मेरे साथ में। मेरे दोस्त हैं सब मिलके, इतने सारे हो चुके हैं अभी। देखो मेरे दोस्त को मैं दे दूंगा ये, क्योंकि मैं मेरे घर पे मैंने ले लिए है। और ये देखो रास्ते में ये दूसरे का खेत है। ये देखो ये इधर ना काम चालू है इनका, तो यहाँ पे भी गेहूं का ही चालू है, मतलब बिजाई चालू है। मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड में ना उन्होंने रखा हुआ है सब, वो जो खाद रहता है ना, खाद और ये गेहूँ मिक्स किया हुआ है, जो ब्लैक दिख रहा है ना वो खाद रहता है। तो वो एक एक मिक्स करके ना ऐसे लगाते हैं। और ये देखो बैलगाड़ी जो इसमें पूरा वो सामान लेके आए हैं। तो और ये देखो कुछ इस तरह से ना, अभी ये एक ही आदमी मतलब ये गेहूं की बिजाई कर रहा है। देखो एक ही आदमी सब कर रहा है। देखो बैल को हकारता भी वही है, और जो बीज डालना होता है वो भी। और यहाँ पे देखो इतना सारा कपास दिख रहा है ना, पूरा सफ़ेद सफ़ेद। मैं खेत में घूम रहा हूँ ना, तो इसकी वजह से सोचा कि आपको पूरा दिखाता हूँ खेत में नज़ारे कैसे होते। छोटा कुत्ता देखो इधर कैसे भौंक रहा है। मेरे दोस्त को ना ये भौंक रहा है, मेरा दोस्त उसको ना मतलब डरा डराने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से छोटा होकर भी देखो कैसा भौंक रहा है। मैं पिछले दिन ना पुणे को गया था, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं वो वीडियो लगा दूंगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ना टैंकर का एक्सीडेंट हुआ है, वो डायरेक्ट वो जो लाइन तोड़ के ना नीचे गिर गया है। हमारे यहाँ ना पूर्णा शुगर फैक्ट्री बोल के एक ना इस साइड पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे गाँव की तरफ रोड गया है, और इस साइड पर पूर्णा फैक्ट्री है। तो इस फैक्ट्री से शायद ये जा रहा था कि आ रहा था कि, लेकिन मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे पाइपलाइन जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, उनको तोड़ के ना ये नीचे गिर गया। ड्राइवर को भी बहुत लगा है, लोग कह रहे हैं। अभी उनको ले गए हॉस्पिटल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सी
ये अभी ना हमारा खेत है और यहाँ पे गेहूँ की बिजाई हो रही है, और गेहूँ जब आएगा ना वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।